मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम सीखेंगे गिटार के पार्ट्स के बारे में। तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि कौन गिटार के पार्ट्स, इनके जो पार्ट्स हैं इनके क्या नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे बच्चों हमारी भी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में क्या है, पहले सबसे पहले क्या है, हेड है ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो गिटार का ये हेड, ये हेड कहलाता है, ठीक है। ये ऊपर है, ये पूरा ये हेड है गिटार का। उसके बाद ये क्या है, नेक है, ठीक है, इसकी नेक कहलाती है। ये पीछे वाला पार्ट जो उसका, ये नेक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो ये पूरा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका फ्रेट बोर्ड कहलाता है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फ्रेट बोर्ड है, फ्रेट बोर्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बच्चों, ये इसकी क्या है, गिटार की बॉडी है, ये पूरी जो गिटार की बॉडी है। तो जितनी बड़ी बॉडी होगी इसकी गिटार की, ठीक है, वो उतना ही अच्छा साउंड करता है गिटार। ये एकॉस्टिक गिटार के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ। तो जितना बड़ा इसकी बॉडी होगी उतना ही साउंड अच्छा करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसमें, इस वाले गिटार में है नहीं बच्चों, यहाँ पे एक डिज़ाइन सा बना होता है, स्क्रैच प्लेट होती है वो, ठीक है। तो जब हम पिक से बजाते हैं तो वो गिटार में स्क्रैच ना पड़े, उसके लिए स्क्रैच बोर्ड लगा होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लगा होता है, इस गिटार में नहीं है लेकिन यहाँ लगा होता है स्क्रैच बोर्ड, ठीक है। फिर ये आप ये देख रहे होल, ये साउंड होल होता है, दिस इज साउंड होल। तो क्या होता है, यहाँ पे साउंड जाती है अंदर और वो घूमती है अंदर, राउंड लेती है, उसके बाद वो फिर बाहर आती है, तो जिससे साउंड हमको सुनाई देती है। तो ये साउंड होल है, दिस इज ब्रिज, ठीक है, ये ब्रिज है, ये क्या है, गिटार का ब्रिज है, जिसमें क्या है, ये स्ट्रिंग की पिन है, ये ब्रिज की पिन कर कहलाती है, इसको ब्रिज पिन कहते हैं, जो स्ट्रिंग को सपोर्ट करती है, बांध के रखती है, ठीक है। तो ये ब्रिज पिन है, ये जो वाली है, ये है, और ये है सैडल, ये वाइट वाला दिख रहा है बच्चा आपको, इसे सैडल कहते हैं। अच्छा, इसका क्या काम होता है, ये गिटार की जो स्ट्रिंग्स है ना, उनको अगर हम खाली ब्रिज में लगाएंगे तो ये नीचे आ जाएंगी स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग्स जो आपकी वो नीचे आ जाएंगी। ये क्या सैडल क्या करता है, इनको ऊपर बनाए रखता है ताकि ये फ्रेट बोर्ड से चिपके ना, ठीक है, जो स्ट्रिंग्स हैं वो फ्रेट बोर्ड से चिपके ना, थोड़ी दूरी पे रहें, तो उसके लिए ये सैडल को लगाया जाता है। ये हो गया ब्रिज, ये हो गया सैडल, वाइट वाला जो है, ये हो गया हमारी ब्रिज पिन है, जिससे स्ट्रिंग्स को दबाया जाता है, बांध के रखा जाता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी हो गई, ये गिटार होल हो गया, क्लियर। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास स्क्रैच प्लेट होती है, जिससे स्क्रैच नहीं पड़ता है गिटार में, और जिससे बजाते हैं हम लोग उसे प्लेक्ट्रम कहते हैं या पिक भी कहते हैं, है ना। फिर ये क्या है, फ्रेट बोर्ड बोला मैंने आपको, फ्रेट बोर्ड है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको फ्रेट बोर्ड। तो यहाँ पे इससे क्या है, फिंगर्स, यहीं से हमारा साउंड बजता है, जब हम यहाँ पे प्रेस करते हैं कहीं, जैसे ये हमने यहाँ प्रेस करा, जैसे फ्रेट बोर्ड में हम फिंगर्स से इसको प्रेस करते हैं तब साउंड निकलता है। तो ये हमारी नेक हो गई, ये बताया था मैंने आपको। फिर ये हमारा हेड है इसका, ये स्ट्रिंग्स हैं सब, ये जब लगी हुई है सिक्स स्ट्रिंग्स है इसमें, अभी मैं आपको स्ट्रिंग्स के नाम भी बताता हूँ। अच्छा, ये जो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहे हैं, ये सिल्वर कलर के, ये क्या है, इससे हम क्या करते हैं, गिटार को ट्यूनिंग करते हैं, गिटार की सुर को मिलाते हैं, तो ये कहलाते हैं ट्यूनिंग पैग्स, ठीक है, और ट्यूनिंग कीज भी बोलते हैं इनको, इसे ट्यून करते हैं हम गिटार को। तो ये कितने हैं, सिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नीचे के तीन स्ट्रिंग के लिए और ऊपर की तीन स्ट्रिंग के लिए बने हुए हैं ये। तो इनको गिटार ट्यूनिंग पैग्स बोलते हैं, ठीक है। और एक रहेगा ये, तो यहाँ पे तो हमने मैंने बताया था आपको, ये सैडल है, ठीक है, जिससे
गिटार की स्ट्रिंग नीचे दबती नहीं है, ये थोड़ा ऊपर उठा के रखता है ताकि ये फ्रेट बोर्ड से थोड़ा ऊपर रहे स्ट्रिंग्स, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ऊपर भी तो ऐसे चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर ये यहाँ से तो हो जाएगा ऊपर हो जाएगी, पर यहाँ पे नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या, इसको क्या कहते हैं, नट कहते हैं, जो हेड से और ये सैडल वाला जो पार्ट है इससे बीच में जो स्ट्रिंग्स हैं वहाँ उसको ऊपर उठा के रखता है, ठीक है। तो ये इसका काम भी यही है, और ये बराबर पार्ट्स में बांटता है स्ट्रिंग्स को, जैसे इसकी और इसकी दूरी बराबर होगी, ठीक है, इसमें दिख रहा होगा आपको गैप्स दिख रहे हैं, तो ये क्या स्ट्रिंग को बराबर पार्ट्स में बांट देता है। नहीं तो ये अगर ये नहीं हो तो क्या होगा कि पास पास जुड़ जाएंगे तो साउंड भी नहीं आएगी क्लियर, जो हमें साउंड चाहिए वो नहीं आ पाएगी। तो ये क्या करता है, नट जो है एक तो बराबर पार्ट्स में बांटता है इनको, और स्ट्रिंग्स को थोड़ा फ्रेट से ऊपर उठा के रखता है। अगर ये ना हो तो फ्रेट से फिर आवाज़ ही नहीं आएगी, देखो कैसी आवाज़ आ रही। अगर यहाँ स्ट्रिंग हमारी पूरी नीचे चिपक जाएगी तो कैसी आवाज़ आएगी, इसलिए ऊपर उठा के रखता है जिससे साउंड की अच्छे से आवाज़ आती है गिटार की, ठीक है। तो एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको, ये हेड है, ये ट्यूनिंग कीज होती है जिसको ट्यूनिंग पैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा नट हो गया, ये स्ट्रिंग्स हो गई हमारी, ये नेक है, ठीक है, ये पूरा हमारा फ्रेट बोर्ड है, फ्रेट बोर्ड, ये पूरा फ्रेट बोर्ड है, ये बॉडी हो गई वाला दिख रहा है, ये होल है गिटार का, ये ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज पिन्स हो गई, ये सैडल हो गई जो वाइट वाली है ना, और यहाँ पे स्क्रैच प्लेट होती है गिटार में, और ये जो ये देखिए बेल्ट बोलते हैं गिटार की, और गिटार की स्ट्रैप भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बजाने से पहले, गिटार को बजाने से पहले ये जानना ज़रूरी है। अब स्ट्रिंग्स के नाम भी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है, यहाँ से नीचे से, या नीचे से गिनेंगे इनको, नीचे से देखते हैं, ये ई है, ये बी है, ये जी है, ये डी, ए और ई, ये स्ट्रिंग्स के नाम है ई बी जी डी ए ई। नीचे जो नीचे की स्ट्रिंग्स हैं ये ई बी जी डी ए ई, यहाँ नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो स्ट्रिंग्स के नाम भी ई बी जी डी ए ई, ये भी आपको, ये स्ट्रिंग्स के नाम क्या बच्चों, ई बी जी डी ए ई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ स्ट्रिंग, ये सिक्स स्ट्रिंग है हमारी। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि गिटार बजाने से पहले ये आपको जानना जरूरी है कि गिटार के पार्ट्स क्या हैं। तो आज आप सभी इसको गिटार के पिक्चर को बनाएंगे अपनी नोटबुक में और उसके पार्ट्स को लिखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।